तो फैमिली आज बहुत दिनों के बाद ब्लॉग शूट हो रहा है। गुग्गा मंदिर जा रहे हैं, नई फसल का जो रोट है वो हम चढ़ाते हैं अपने गांव में। जब भी नई फसल हम काटते हैं, घर पे लेके आते हैं, तो उसका जो रोट है वो चढ़ाया जाता है, चाहे वो कणक हो चाहे कुछ। ऐसा रिवाज है हमारे गांव के अंदर। तो गुग्गा मंदिर की तरफ अभी हम जा रहे हैं, घर वाले निकल चुके हैं तो अभी हम भी निकलेंगे। तो उसी के लिए बहुत शोर मच रहा है, सभी अपने कामों में व्यस्त हैं और कुछ लोग ऐसे लेटे हुए हैं, सो रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे तैयार हो चुके हैं, कुछ लोग सो भी रहे हैं। पर हमें पता है हमने तो जाना ही है, तो हम निकल तैयार सुबह नहा धो के ठंडे पानी के साथ निकलने वाले हैं। बस चलिए मिलते हैं आपको गुग्गा मंदिर पहुंच के। बोलिए गुग्गा जाहिर वीर जी की जय। तो गुग्गा पहुंच चुके हैं हम। तो सबसे पहले मम्मी क्या करना है बेटा, तुमसे ना हो पाएगा। सबसे पहले हम कच्ची लस्सी के छींटे मारेंगे पूरे गुग्गा मंदिर में। तो ये वहाँ पर जो परिवार के कुछ परिवार की जो महिलाएं हैं वो भी आई हैं। गजब बेइज्जती है। अपना जो है प्रक्रिया कर देंगे, दिखा देते एक बार फैमिली। ये मेरे चाची हैं, इनका नाम पूजा है। हेलो गाइस, राम राम, नमस्ते। के जो हमारे कैमरामैन की उनकी माता जी हैं, इनका नाम रीना चाची बोलते हैं। और बॉम्बे की मम्मी हैं, मम्मी उनका नाम मधु वाला। हेलो नमस्ते। हेलो, गुग्गा जाहिर वीर मंदिर में आपका स्वागत है। इसको दिखा दीजिए, ये हमारा पिंगला है। राम राम। अरे कमोन कमोन, सबसे पहले कुछ कुछ खोल के भी दे। बोलिए गुग्गा जाहिर वीर जी की जय। कंट्रोल कंट्रोल बोलिए पीर बाबा जी की जय। आई कौन कौन दाग पड़ जाते हैं, तो हमने रखी है कटोरी, तो हम कटोरी के अंदर ही कच्ची लस्सी डालते हैं, जिससे हम मान लेते हैं कि हमने जो छींटे मार लिए। हम बोलते हैं कि सपोज, मैथ में करते हैं कि सपोज, वैसे हम यहाँ मान लेते हैं कि हमने छींटे मार दिए। हम मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा, चल। चलिए अब हम वहाँ झंडा लगाए गुग्गा पीर जी का, तो झंडे के पास भी चलते हैं। आइए आइए फैमिली। वहाँ पे लिखा, अगर आप दिखाएं आगे, तो वहाँ पे लिखा है कि हमेशा इन चीज़ों का ही प्रयोग करें, होठों के लिए सत्य, आवाज के लिए प्रार्थना, आंखों के लिए दया, हाथों के लिए दान, हृदय के लिए प्रेम, चेहरे के लिए हंसी, बड़ा बनने के लिए माफी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कैमरामैन का सिर यहाँ पे इसमें बच चुका है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। और ये हमारे गुग्गा जाहिर वीर जी का कुछ बाहर का दृश्य, हरियाली ही हरियाली। आगे चलिए प्लीज। नहीं नहीं, मुझे बस दिखाइए, आप आगे दिखाइए। इसके अंत में हम फिर झंडे को छींटे मारेंगे।
जो भी जो बरगद का पेड़ है जो बच चुका है वहाँ पे हम साढ़े घर में ही खाती परी खाती जाए रेडू हो।